तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए गोभी के पराठे। गोभी के पराठे हम घर पर कैसे बनाते हैं, क्योंकि गोभी का सीजन भी चल रहा है सर्दियों वाला, तो गोभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी आने लगी हैं, तो गोभी की सब्जी, गोभी के पराठे, तो आज हम बनाएंगे गोभी के पराठे। तो फटाफट उसकी हम करते हैं तैयारी और देखते हैं कैसे बनते हैं पराठे। तो हमने लिए गोभी, और गोभी मैंने साफ धोकर अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है, और इसका एक्स्ट्रा पानी हम सारा निकाल देते हैं। और उसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे हम अजवाइन को। अजवाइन को हम करेंगे रोस्ट, क्योंकि अजवाइन हम डालेंगे उसमें गोभी के पराठे में तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और स्वादिष्ट भी बनते हैं। तो हमने कढ़ाई को साफ़ कर लिया, उसके बाद हम इसमें प्याज को रोस्ट करेंगे। और हमें ऑयल या घी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और हमने अदरक ली है, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और लाल जो हरी मिर्च ली है उसको मैंने बारीक कट कर लिया। उसको तीनों चीज़ों को हमें आराम से भूनना है थोड़ा सा इसे ब्राउन होने तक। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गोभी, जो गोभी हमने कद्दूकस करके रखी थी बारीक। और इसके बाद हम तीनों चीज़ों को और अच्छी तरीके से मिक्स को, जो मिक्सर है ना डाला है इसमें, इसको अच्छी तरीके से हम सुखा लेंगे। और जिससे ना गोभी थोड़ी हल्की नम हो जाएगी, जिससे कि पराठे बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेस्टी बनेंगे। तो सिर्फ इसे हम 5 मिनट के लिए इसे रोस्ट करते हैं, गोभी को, प्याज को, सभी को। और उसके बाद हम देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से गोभी पक चुकी है और प्याज वगैरह सभी मिक्स हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम उसको निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो हमारा डो है ना ठंडा हो चुका है गोभी वाला। बस अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे। तो उससे पहले हम आटे को देख लेते हैं। आटा मैंने पहले गूंद के रख लिया था, तो उसमें थोड़ा सा पानी का हाथ लेकर या ऑयल का हाथ लेकर हम इसको आटे को गूंद कर बढ़िया सा डो बनाकर तैयार करेंगे। तो आटा है ना बहुत ही अच्छा सॉफ्ट मुलायम बन चुका है। तो गोभी ठंडी हो चुकी है, और हमने लिया आधा चम्मच जीरा पाउडर, और आधा चम्मच हम लेंगे गरम मसाला, और 1 चम्मच लेंगे हम चाट मसाला, और आधा चम्मच मैंने लिया आमचूर पाउडर, और आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिलाएंगे। और जो मैंने अजवाइन को क्रिस्प किया था उसको इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा क्रिस्प करके हम डालेंगे महीन करके, इससे स्वाद भी बढ़िया आता है और जो गोभी की बादी है ना वो भी चली जाती है। उसमें डालेंगे हरे धनिया। हरे धनिया तो हम खूब सारे डालेंगे, क्योंकि इसमें खुशबू भी अच्छी आती है और इसके देखने में अच्छा भी लगता है। और नमक रह गया था वो मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। नमक तो हम अपने स्वाद के अनुसार ही डालते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसको, जिससे सारे मसाले हैं ना मिक्स हो जाएं। तो हम ले लेते हैं आटे की लोई को, आटे की लोई को लेकर, और हम इसमें भरेंगे जो मैंने गोभी वाला डो बनाकर तैयार किया है, इसी सभी पोषण को हम भरेंगे अच्छी तरीके से। और इस तरीके से चुन्नट को लेते जाते हैं और पराठे को हम धीरे धीरे करके इसकी लोई बनाएंगे। तो देखिए लोई बन चुकी, इस तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। और इसे अच्छी तरीके से इसके परोथन लगा कर, मतलब कि थोड़ा सा आटा लगाकर इसमें इस तरीके हाथ से, हथेली से हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके तब हम बेलन से बेलेंगे इसको, क्योंकि डायरेक्ट अगर बेलन से बेल देते हैं तो पराठा फटने का थोड़ा डर रहता है, क्योंकि गोभी है ना थोड़ी सी पानी वाली होती है, कितना भी उसे भून लो। तो हमने इस तरीके से पराठा बहुत ही धीरे धीरे बेला है, तब भी थोड़ा सा पराठा हल्का सा फट गया, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा पराठा बनकर तैयार हो रहा है। और इतनी इसकी मोटी है लेयर हमें रखनी है। तो इसी बीच हम पराठे को तवा मैंने रख दिया है गैस पर, और उस पर हम डालेंगे पराठा। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लगा लेते हैं उस पर घी, जिससे कि पराठा चिपक ना जाए तवे पर। और तवा मैंने सादा ही लिया, जो रोटियां इस पर घर पे हम लोग नॉर्मल तवा जो रोटियां बनाते हैं वही तवा मैंने इस्तेमाल किया है। तो पराठा एक तरफ से गया है, दूसरी तरफ हम झट कर देख लेते हैं। आप चाहें तो नॉन स्टिक तवा पर ही इस पराठे को बना सकते हैं। तो हम दोनों तरफ पलट कर घी लगा रहे हैं, और उसके बाद हम पराठे को अच्छी तरीके से मीडियम गैस पर इसको सेक कर तैयार करेंगे। गोभी के पराठे हैं ना बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं, अगर चाय के साथ में खाइए, आप चाहे दही के राते के साथ में खाइए, या चटनी के साथ भी खा सकते हैं।
लेकिन टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में गर्मा गर्म पराठे हों आलू के या गोभी के किसी और के, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और पेट भी हमारा भर जाता है। तो पराठा तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बनाकर आपको दिखाते हैं। अगर आपका पराठा फट जाता है तो आप इस तरीके से पराठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने दो रोटियां बेल ली हैं, तो एक पर मैंने जो गोभी वाला डोवा लगा लिया है और दूसरा है रोटी है जो मैंने ऊपर से उसको ढक कर दी है, और उसको अच्छी तरीके से साइडों से हम दबा देंगे जिससे कि अंदर से जो डोवा है निकल ना जाए गोभी वाला। और जो मैंने एक लिया जो चम्मच आती है फ्रूट खाने वाली, उससे हम इसी अच्छी तरीके से दबा देंगे साइडों से, जिससे डिजाइन भी अच्छी बनेगी और पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा बिल्कुल सरल तरीके से। जो नहीं बना पाते उसके लिए सरल तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमने इस तरीके से डाल दिया है तवे पर, और जो दूसरी साइड रहेगी तो उस पर भी इसे बना देते हैं कुछ निशान, जिससे पराठा अच्छा लगेगा और खाने में टेस्टी भी होगा। और गोभी है ना आपकी, वो भी बाहर नहीं निकलेगी, तो इस पर हम घी लगाकर इस पराठे को सेकते हैं। तो पराठा आप अपने घर पर कैसे बनाते हैं गोभी के या मूली के, हर किसी के पराठे बनते हैं, लेकिन हमें गोभी के पराठे बेहद पसंद हैं। तो आप वो कैसे बनाते हैं प्लीज़ हमें भी कमेंट करके बताइए। और गोभी जो गोभी के पराठे हम बना रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसे भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। गोभी का पराठा बहुत ही अच्छा, और ख़ासियत इसमें यह है कि यह पराठा बहुत ही खस्ता है, क्योंकि जो मैंने आटा लगाया था उसमें मैंने नमक तो डालते ही हैं, उसमें हमने देसी घी भी डाल दिया था, क्योंकि पराठे में थोड़ा खस्तापन लाना था हमें। तो पराठे को सीख चुके हैं तो उनको सर्व भी कर लेते हैं। हमने लिए प्लेट, तो उसमें मैंने हरी हरी धनिए की हरी हरी चटनी सर्व की है, और साथ में खस्ता सा पराठा है गोभी वाला, बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनाया है मैंने, देखिए ना खस्ते की वजह से थोड़ा सा टूट भी गया है। तो बस से और इसको देख लेते हैं कितना धुआं निकल रहा है। गरम गरम पराठा मैंने सर्व किया है प्लेट में आपके लिए। तो पराठा आप देखकर पहचान सकते हो कि पराठा कितना अच्छा स्वादिष्ट बना होगा, कितना खस्ता होगा। तो बहुत ही अच्छा खस्ता पराठा बना के तैयार किए हैं हमने, उसकी खासियत आपको नज़र आ रही होगी। तो बहुत ही ज़्यादा धनिया वाला और गोभी का पराठा, सर्दियों में गर्मा गर्म पराठे और चटनी, और अगर चाय होना इसके साथ में तो उसका क्या कहना है, बहुत ही लाजवाब पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा सरल है, कम मेहनत में और फटाफट बन जाते हैं, समय का पता भी नहीं चलता है, और पराठे चटनी आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। अगर आपको हरी हरी धनिए की हरी हरी चटनी बनानी हो तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। गोभी के पराठे आपको पसंद तो जरूर ही आए होंगे, और पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके प्लीज आप जरूर बताइएगा। कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप हमारी वीडियो देखते हैं और आपको अच्छी लगती है। और हाँ, मेरे चैनल पे आप अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिए, तभी तो सारी आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और चलते हैं और मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हम करते हैं बाय बाय।